हाय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अंकित शुक्ला हैं और ये बेसिकली एयर फोर्स से हैं। ये अपने बारे में पूरा बताएंगे। डोमेस्टिक पर्सनालिटी है, गुड पर्सनालिटी है, बातचीत भी बढ़िया अच्छी है। ये जब लखनऊ से यहाँ पे आए थे, पहले दिन ही इन्होंने समझा, इन्होंने प्रोफाइल मेकिंग में इमीडिएट अपने को इनरोल कराया, ट्रेनिंग कर लिया, आज इनकी ज्वाइनिंग भी आ गई है और बहुत 3 से 4 दिन यहाँ पे ये रहे भी हैं क्योंकि लखनऊ से इनको अप डाउन होना होता था तो इंटरव्यूज आसानी नहीं था, बट इन्होंने पूरा पॉजिटिवली सपोर्ट किया। ऐसे कैंडिडेट की ज्वाइनिंग में समय भी नहीं लगता है, टाइम से काम भी होता है। अंकित, चूंकि आप एक सीनियर कैंडिडेट भी हैं, मेच्योर भी हैं, लड़के टाइप तो है नहीं आप, फैमिली वाले भी हैं और आप एयरफोर्स ऐसी पोजिशन में जो रहा हो तो उसका रेस्पेक्ट और रिगार्ड तो सभी लोग करते हैं, तो आपके सब लोगों के लिए वैल्यू करेंगे। आजकल लोग चूंकि जब जॉब के लिए जाते हैं तो आज कंपनीज नहीं, बहुत सारी हो गई हैं, ऐप खुलती हैं, पैसा ले लिया हम ये करा देंगे वो करा देंगे, आप उससे हम लोग को अलग कैसे मानते हैं? चूंकि आप एयरफोर्स के तो आपका ब्लड ग्रुप अलग है, आप जो बात बताओगे वो लोगों पर बड़ी असर करेगी, तो जिसे लोग सही और गलत में अंतर नहीं ले पाते ना आज के लोग, तो आप उन बातों को बताइए, आपका अनुभव यहाँ क्या रहा, क्या अलग रहा, आप पूरी चीज बताइए। नमस्ते सर, नमस्ते लोगों, मैं अंकित शुक्ला हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और कंसल्टेंसी और इस सोसाइटी में अंतर ये है कि यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस ट्रेनिंग दी जाती है जिस प्रोफाइल के लिए आप कर रहे हो, और यही नहीं आपको दूसरी प्रोफाइल के लिए भी प्रेरित किया जाता है, और मुझे तो मेरे ख्याल से विद इन अ वीक जॉब मिल गया है, और सर लोग की ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और बाकी आज आपको कपिला में मुझे सिक्योरिटी अफसर का जॉब मिल गया है, क्योंकि एयरफोर्स में रहे तो उनको पूरा पूरी चीज़ बताई गई है, जो ये चाहते थे उसके हिसाब से हुआ भी है, उम्मीद ये है कि आगे बढ़ते भी रहेंगे। और जो डाउट लेके लोग आते हैं वो आप समझिए, जब आप आएंगे समझेंगे चीज़ों को देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आज मॉर्निंग का भी मैंने कई वीडियो आपको अपलोड किया है कि देखिए मेरे पास में आज वो अपनी ओर से कंपनीज का कॉल आया कि आप लैंडमार्क में 7:30 पे आप आइए, मुझे नहीं पता था कि मुझे वहाँ पे जाना है, फिर भी मैंने कहा कि चलो प्लान करते हैं, क्योंकि मैं नॉर्मली कंपनीज में विजिट कम करता हूँ, फ़ोन से ज़्यादा मेरी बातचीत होती है, टाइम जाता है, लेकिन उनका टाइम ही चूँकि मॉर्निंग का था, आई विजिटेड ओवर देयर, सारी कंपनीज वाले जानते भी थे, सब कंपनीज वाले ने देखा भी, दे हैव गिवन मोमेंटो, उन्होंने कहा कि आप रेगुलरली आते रहिए सर, आप लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। आज बहुत सारी कंपनीज में मेरे ख्याल से आपके पास रिक्वायरमेंट और भी बढ़ेगी, चूँकि कई ऐसे एसोसिएशंस होते हैं इंडस्ट्रीज़ के जिनमें फिजिकली प्रेजेंट होने का भी अलग असर पड़ता है, तो आज मैं उसी लिए आपके लिए गया कि आप लोगों के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो पाए, हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ और आप सब लोगों के लिए होमवर्क एक अच्छा कर पाएँ। तो आज BNI कानपुर में जाने का बेनिफिट भी मिला और बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ी है, वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज़ की वो इंडस्ट्री जोड़ रहे हैं धीमे धीमे, चैप्टर एक जो कानपुर का और लखनऊ का है उसमें मैंने एंट्री करी थी और वहाँ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा, अपनी बात को मैं रख पाया और मैं कंपनीज को भी कई बात बता पाया कि कंपनीज को क्यों कंसर्न करना चाहिए, क्यों कैंडिडेट्स को वो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनकी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे वो जल्दी क्यों छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ों का भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। और सारी इंडस्ट्रीज वालों ने मेरे बोलने के बाद में कार्ड्स लेने वो खुद आए, खुद उन्होंने पूछा मुझे जरूरत ऐसी पड़ती रहती है, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे पास आइए, एंड उसका भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ये सब दुआओं की वजह से हो रहा है। और कई कंपनी वाले जिनको मैंने फेस टू फेस नहीं देखा था, ओनर थे, HR थे, फ़ोन से कई बार बातचीत हुई है, सबके पास तो नहीं जा पाता हूँ, आज उन सबको देख करके बहुत अच्छा भी लगा। तो आप सबके लिए ईश्वर भी काम कर रहा है, एक कोई फ़ोन जब आता है इसी जगह से तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने आप सब लोगों के लिए काम किया है कि आपके लिए दुआएं इकट्ठी जब हो जाती हैं तो आपके लिए अपने आप काम होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके लिए और भी अब कंपनीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। लैंडमार्क में मीटिंग लगभग 3 से 3.5 घंटे रही, सभी कंपनी वाले ये बता रहे थे, प्रेजेंटेशन था वो क्या बनाते हैं, उनको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक दूसरे की कैसी मदद करें, ऐसे कई सारे फोरम हैं जिसमें फिजिकली अब जाना चालू भी कर रहा हूँ, पहले फिजिकली अवॉइड करता था, टाइम जाता था, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड टू फिजिकल इंटरेक्शन के लिए। इनका सिलेक्शन इसलिए मैंने इनसे कहा क्योंकि एयरफोर्स में है और इनका वीक विद इन वीक हुआ है, इन्होंने भी हाँ जी सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, सर ये ठीक है, कई लड़के मैंने देखा कि जा नहीं पाते, इन्होंने ना जी नहीं किया, ये कल जा रहे थे रात में, मैंने इनको रोका, हमने कहा लखनऊ मत जाइए, पहले आप उससे बात करिए, इसकी ज्वाइनिंग कन्फर्म करिए, फिर आप आगे जाइए, इन्होंने तुरंत बात मानी भी। ये तो क्वालिटी है जो एयरफोर्स में लोग सीखते हैं, जो उनके ब्लड ग्रुप में है, वो क्वालिटीज माय डियर कैंडिडेट मदद सबको करती है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंटर @mysorejob.com। थैंक यू।